किसी साहब का इंतक़ाल हो जाता है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा कर्ज़ ले रखा था वफात के बाद उनके बारे में ये बताया जाता है कि उनके पास कर्ज़ की अदायगी का कोई रास्ता नहीं है यानी वफात हो गई मखरूज थे अब तरके में इतना माल नहीं है कि जिसके ज़रिए क़र्ज़ा अदा किया जा सके तो क्या ऐसे शख्स के लिए ज़कवा़ के मद से ज़वा़त में से लोगों से ज़क़़त जमा करके क्या उनका कर्जा अदा किया जा सकता है या अदा नहीं किया जा सकता क्योंकि हम जानते हैं कि ज़कवा़त के जो मसारफ़ आठ मसारफ़ हैं जहाँ पर ज़क़़त दी जा सकती है उसमें से गारिमीन का भी तस्करा है गारिमीन के माने जो मकर हो तो ये ज़िंदा लोगों के लिए तो वाज है कि अगर कोई शख्स मकरूज है और उसके पास अदायगी का पैसा नहीं है अदा नहीं कर सकता तो ऐसी सूरत में ऐसे इंसान को जकवात दी जा सकती है ताकि वो अपना कर्ज़ा अदा कर सके लेकिन अगर आदमी की वफ़ात हो गई वो मकरूज़ था अब मरने के बाद क्या उसके लिए ज़क़त जमा की जाएगी ताकि उसका कर्ज़ा अदा किया जा सके तो इसके बारे में सही बात ये है कि ऐसे शख़्स के लिए ज़क़़त इकट्ठा नहीं की जाएगी ऐसे शख्स का कर्जा ज़क़़त के पैसे से अदा नहीं किया जाएगा क्यों ऐसा उलमाए कराम की राय ऐसी क्यों है उसकी बहुत सारी वजूहत क़राम ने बयान की है पहली बात यह है कि कुरान करीब में अल्लाह तआला ने गारिम को ज़क़़त देने की बात कही है यानी जो मकरूज़ है उसको ज़क़़त देने की इजाज़त दी गई है जो गरीब है यानी जो कर्ज़ खा है उसको ज़कात देने की बात नहीं कही गई है अब हम ज़कात की रकम किसको देंगे मकरूज़ को नहीं देंगे हम हम जो कर्ज़ा वसूल करने वाला जिसका कर्जा था वो शख्स हम उसको दे रहे हैं जबकि कुरान में मकरूज़ को देने की बात है जो कर्ज खा है उसको देने की बात ज़िक्र नहीं है एक बात ये दूसरी बात ये है कि ज़ात में से किसी मखरूस्त को देने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि इंसान जब किसी का कर्जा लेता है तो परेशान हाल होता है एक तरह की ज़िल्लत महसूस करता है अब मरने के बाद मरने के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया इंसान मर गया अब वो इस दुनिया में क्या हो रहा है उस तल्लुक़ से परेशान नहीं है वो या उसे किसी कस्म कि की ज़िल्ल का सामना नहीं है तो अगर आप कंपेयर करें मुआजना करें तो जो आदमी ज़िंदा है उसका कर्जा अदा करके उसको ज़िल्दत से बचाना उसको परेशानी से बचाना वो ज़्यादा अहम है बनिस्पत उस आदमी के जिसका इंतकाल हो चुका है दूसरी बात ये तीसरी बात ये है कि अगर ये दरवाज़ा खोल दिया जाए कि वफात शुदा के कर्जे को जकवात के पैसे से अदा किया जाए तो होगा क्या कि जो जिंदा मकरूज लोग हैं उनका हक मारा जाएगा क्योंकि आम तौर पर इंसान की फितरत यह है कि वो मुर्दा लोगों पर ज़्यादा तरस खाता है इसीलिए किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो कैसे लोग दौड़ दौड़ के उसके काम करते हैं भाई कफनाना है दफनाना है फलां करना है उसकी बेवा का कौन ख्याल करेगा उसके बच्चों का कौन ख्याल करेगा तमाम बातें लोगों के जहन में आती हैं तो अगर आप दो आदमी खड़े होंगे एक आदमी ज़िंदा मकरूज़ के लिए जकवात मांगेगा और एक आदमी जो है मुर्दा मकरूज़ के लिए जकवात मांगेगा तो लोगों की जो हमदर्दियाँ हैं वो मुर्दा मकरूज़ की तरफ ज़्यादा रहेंगी और जो ज़िंदा लोग हैं वो मकरूज़ हैं वो महरूम हो जाएंगे तो एक नुकता ये भी लोगों ने बयान किया है इसी तरह इसमें एक वजह यह भी है सबसे बड़ी वजह तो मैं आखिर मताऊँगा लेकिन एक वजह यह भी है कि फिर क्या होगा लोग अपना कर्ज़ा अदा करने में सुस्ती करेंगे जहन में क्या रहेगा लोगों का कर्ज़ा लो खाओ ज़िंदगी गुजारो अपनी ज़रूरियात पूरी करो मरने के बाद लोग जक़ात के पैसे से अदा कर देंगे मोहल्ले वाले अदा कर देंगे गांव वाले अदा कर देंगे तो मैं क्यों परेशान ज़िंदगी में क्यों परेशान हूँ मैं आराम से ज़िंदगी गुजारूं लोगों से कर्जे लूं मरने के बाद तो भाई जक़ात तो लोग निकालते ही थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तो मेरे जैसे और चीज़ें जो है जक़ात में और मद में लोग देंगे मेरे कर्ज़े में भी लोग अदा कर देंगे मेरा कर्जा भी अदा हो जाएगा तो इस तरह से जो असल ज़िम्मेदारी कर्जा लेने वाले की है जो कर्ज़ा ले रहा है वो कर्ज़ा नहीं अदा करेगा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा उसी से मिलती जुलती बात ये भी होगी कि अब जैसे किसी इंसान का इंतकाल होता है तो जो उसके वरसा होते हैं वो परेशान होते हैं कि भाई अब्बा का कर्ज़ा कैसे अदा किया जाए कहीं से वो कोशिश करते हैं कि तरके में से पहले अदा कर दिया जाए अगर तरके में से नहीं पूरा हो रहा कोई बेटे कमाते हैं तो बेटे कोशिश करते हैं अपने माल से अदा कर दें ताकि जो अब्बा की रूह जो है मुअल्लक ना रहे ये जज्बा जो है बच्चों में पाया जाता है अब अगर हम जकवात का रास्ता खोल देंगे कि भाई ज़क़त के पैसे से लोगों का कर्जा मरने वाले का कर्जा अदा किया जाए तो बेटे भी अपना हाथ खड़ा कर लेंगे वो भी चाहेंगे कि हमारे पैसे से कर्जा ना अदा हो बल्कि जकवा़त के पैसे से कर्ज़ा अदा हो सबसे आखिरी और अहम बात कि अल्लाह के रसूल सल्म की जिंदगी में ऐसे लोगों के ताल्लुक से दो मरहला गुजरा है आप जानते हैं एक मरहला ये था कि जब नबी के पास वल्लम ज़्यादा मालो दौलत नहीं थी फतूहत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था तो उस सूरत में क्या होता था कि अगर नबी पूछते थे उसका यह मकरूज़ है कि नहीं कुछ कर्जा इस पर है अगर ये बताया जाता कि कर्जा इसके ऊपर है तो पूछते तरके में कुछ बचा है जिससे कर्जा अदा हो जाए अगर अदा हो जाता इतना तरक़ा है कि जिससे कर्जा अदा हो जाएगा तो अल्लाह के रसूल वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ते थे लेकिन अगर ये पता होता कि इंसान मकरूज है और उसके तरके में इतना माल नहीं है जिससे उसका कर्जा अदा हो जाए तो अल्लाह के रसूल वसल्लम कहते थे अला साहिबिकुम तुम नमाज जनाजा पढ़ लो मैं नहीं पढ़ूँगा उसके बाद जब फतूहत हुई और जिजिये के जरिए माले फे के जरिए पैसा आया तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने यह फरमाया कि अब जिसका भी इंतकाल होता है वो मकरूज होता है तो उसका कर्जा मैं अदा करूंगा लेकिन ना तो पहली हालत में ज़क़ात से अदा किया गया ना दूसरी हालत में जक़ात से अदा किया यानी पहली हालत में भी जक़ात मिल सकती थी लोगों से कहते जक़ात से अदा कर दो लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब फतूहत नहीं हुई नबी के पास बैतुलमाल में इतना पैसा नहीं था तब भी अल्लाह के रसूल वसल्लम ने ज़क़ात से किसी मरने वाले के कर्ज को अदा नहीं करवाया और जब फतहत का सिलसिला आया माले फ़ैर से, से पैसा आया जजिये से पैसे आए और तरीक़े से पैसे आए तो आपने अदा करवाया लेकिन उस वक्त भी आपने ज़क़त के पैसे से किसी का कर्जा मरने वाले का कर्जा अदा नहीं करवाया इसलिए व्लम बेसवा सही बात यह है कि अगर किसी इंसान का इंतकाल होता है वो मकरूज़ है तो उसके तरके में से कोशिश की जाए या नफली सदक़ात में से अदा कर दिया जाए जैसे इसका सबूत मिलता है साहब राम ने मरने वालों के कर्ज़े मरने के बाद अदा किए हैं लेकिन नफली सदक़त से कोई कहे कि मैं अदा कर देता हूँ कोई बात नहीं ज़िम्मेदारी ले ले लेकिन ज़कात के पैसे से ऐसे मरने वाले के कर्जे अदा नहीं किए जाएंगे इन शामा कराम की दो रायों में से ये राय ज़्यादा बेहतर और काबिल तरजीह मालूम होती है असलम आलकम वर्का ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने आमीन जजाकल्लान